आज का वीडियो ना कोई रिव्यू नहीं है, आज का वीडियो एक एक्सपीरियंस को लेके है, एक एक्सपीरियंस जो हमारे फ्यूचर में शायद बहुत काम आए। हमने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी उठाई और निकल पड़े रोड ट्रिप पे। सफर जाना पहचाना सा था, दिल्ली से देहरादून लगभग 250 किलोमीटर की दूरी, और गाड़ी थी अपने साथ MG ZS EV। ZS EV आपको याद होगी, वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार्स इन द इंडियन मार्केट, लगभग 2019-20 में आई थी जब इतनी सारी आपको ऑप्शंस नहीं मिलती थी। आज के दिन ZS EV में आपको एक 50 किलोवाट आवर से अधिक का बैटरी पैक देखने को मिल जाएगा, मतलब 450 किलोमीटर से ज़्यादा क्लेम्ड रेंज। तो आज के वीडियो में हम निकल पड़े हैं सफ़र में और आपको बताएंगे क्या कुछ हमें अच्छा लगा, क्या कुछ चैलेंजेस हमने फेस किया, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जब आप लेके रोड ट्रिप पे निकलते हैं तो क्या कुछ आपके जहन में रहना चाहिए। इट वॉज अ वीकेंड, संडे सुबह लगभग 9 बजे मैं ZS EV लेके फास्ट चार्जिंग स्टेशन की ओर दौड़ा। 50% से 95% होने में एक घंटे से कम का वक्त लगा और आई वॉज रेडी। मैं चला सैम को उठाने सैम के घर। और यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा आउट ऑफ प्लान स्कीम हो गया, क्योंकि दिल्ली से देहरादून 250 किलोमीटर है, लेकिन सैम का घर करोल बाग की ओर थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। यहाँ पे हमें 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा शहरी ट्रैफिक में ZS EV को चलाना पड़ा, और अनफॉर्चुनेटली संडे भी दिल्ली में ट्रैफिक सुबह सुबह काफ़ी हेवी लग रहा था, तो आई थिंक द रीजनरेटिव ब्रेकिंग केम इन टू प्ले। स्टिल दिल्ली से निकलते निकलते बैटरी गिर के 80% हो चुका था। हाईवे वॉज प्लाइंट, 80 के क्रूज कंट्रोल पे हम गाड़ी को सेट करके निकल पड़े। हालांकि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही थी, इट वॉज अराउंड 40 डिग्रीज, पीक समर इन नॉर्थ इंडिया, तो हम इको मोड पे चला नहीं पाए, इको से हमें नॉर्मल में जाना पड़ा, और वहीं वी स्टार्टेड टू सी अ फास्ट डिप इन चार्ज। अनसर्टेनिटीज, ये एक ऐसी चीज है, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी रखते हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, और ऐसी कुछ अनसर्टेनिटीज थी जो हमारे राह में आ गई। जी हाँ, जब हम दिल्ली से निकले थे तब हमने यही फैसला किया था, क्योंकि रेंज और डिस्टेंस जब हमने आका तो हमें पूरा पूरा यकीन था कि हम बड़ी आराम से देहरादून अपने हयात रीजेंसी होटल पहुंच जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली अनसर्टेन थिंग्स डू हैपन एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर, और हमारे साथ कुछ अनसर्टेनिटी हो गई। दिल्ली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लग गया, परेशानियां हो गई, सड़क में कुछ खराबियां थी जिसकी वजह से बहुत जमाजम जाम हो गया, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेम्परेचर। दिल्ली में पारा बहुत ज़्यादा ऊपर था, उस पारे ने हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया। स्पोर्ट्स मोड पर गाड़ी को लेके आए, गाड़ी को थोड़ा ठंडा किया तो रेंज जो थी वो ज़रा डिप हो गई। ये सब कुछ ऐसी छोटी बारीकियाँ जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है, लेकिन वो अनसर्टेनिटी थी, और ऐसी एक अनसर्टेनिटी थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, अगर आज से एक साल पहले की बात करता, लेकिन अब कहानी बदल गई है। आप देख सकते हैं हम अभी अपने आधे रास्ते में मेरठ पर रुके हैं, और इट इज़ सो गुड, हर चार्जिंग फैसिलिटी मौजूद है आपके पास। स्टैटिक है जो कि अपने आप को इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क मांग रहा है, टाटा पावर जिसने की बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, साथ में एक्सियम फोटम भी मौजूद है, बट दिस इज अ वेरी हेल्दी साइट टू सी दैट नाउ इंडिया इज चेंजिंग। रेंज बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर है जब आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं। वैसा ही हमने ZS EV के साथ भी एक एक्सपीरियंस किया, सो आई थिंक हाउ यू प्लान योर ट्रिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फॉर 4 पीपल प्लस द बूट स्पेस, आई थिंक इट्स एनफ फॉर अ वीकेंड। तो आई थिंक ऑब्वियसली रेंज प्लस परफॉर्मेंस यू हैव टू प्लान, लेकिन रेस्ट ZS EV कैन टेक केयर। डिफरेंट लेवल ऑफ रीजनरेशन आपको ZS EV के मोटर में देखने को मिल जाएगा। इट्स डिसेंटली पावरफुल, इसमें जो मोटर यूनिट दिया गया है ऑलमोस्ट 170 PS की पावर जो जनरेट करती है, दिस इज़ एक्चुअली फन टू ड्राइव। लेकिन पहले से यू हैव टू थोड़ा सा प्री प्लान करना पड़ेगा कि रोड ट्रिप में डू यू हैव अ स्लोप
इंक्लाइंड, या आपको चढ़ाई में गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा, या फिर द कार इज़ कमिंग डाउन हिल. ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है रोड ट्रिप के दौरान जब एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे गाड़ी चल रही है, रीजनरेशन इज आउट ऑफ पिक्चर. एक लॉन्ग ड्राइव के दौरान जब आप इंट्रा सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ प्राइमरी रीज़न क्यों क्लेम्ड रेंज एंड रियल रेंज में एक आपको बड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा. लोड के साथ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. अगर आप फुल हाउस गाड़ी में लेके जा रहे हैं, पूरा का पूरा बूट स्पेस भी भरा है, एसी के कंट्रोल्स पे भी हमने देखा है इट इफेक्ट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कार. बट टू राउंड इट अप, हमारा जो सफ़र रहा जेड एस ई वी के साथ, इट वॉज इकोनॉमिकल. मतलब अगर आप ₹1 से ₹1.20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं इन अ प्रीमियम कार, 3 या 4 लोग, आई थिंक ये तो वॉल्वो बस के रेट से भी कम आपको पड़ेगा. फाइनल बिट, मुझे ये अच्छा लगा कि हाउ फास्ट चार्जिंग नेटवर्क फ्रॉम डिफरेंट ओईज आर कमिंग अप. आपको एक या दो पे निर्भर नहीं, इनफैक्ट अब बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं. हालांकि एन इंटीग्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक ही ऐप के अंडर में सारे चार्जिंग स्टेशन आपको दिख जाए. आप जैसे गूगल पे सर्च करते हैं पेट्रोल पंप नियर मी, आपको सब दिख जाता है, वैसे ही आई थिंक फास्ट चार्जिंग का भी एक वैसा अम्ब्रेला या फिर ब्रैकेट बनना चाहिए. बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू शुड कंसिडर स्टार्ट कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक कार्स एज योर प्राइमरी एंड ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली जेड एस ई वी जैसी गाड़ियाँ जो सेगमेंट में आती है. आप अच्छे खासे पैसे खर्च कर रहे हैं और कंपनी भी आपको उस रेंज के साथ एश्योरेंस दे रही है. सो आई थिंक 300 किलोमीटर्स अ डे वेल इनाफ. अगर आप बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना चाहते, 300 किलोमीटर्स प्लस फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेक्स योर डे. तो ये था हमारा सफ़र इलेक्ट्रिक गाड़ी में दिल्ली से देहरादून का, MG ZACV विच इज़ स्पेशियस, कम्फर्टेबल एंड प्रीमियम. वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इट्स टाइम फॉर अस टू ट्रैवल अराउंड देहरादून. बट जाते जाते हाउ डू यू लाइक द वीडियो ज़रूर बताइए. ऑल्सो टेक सम टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल, अपने फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जाइए एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस.